गाइस देखो बरजू घूम रहा भाई रोड पर, पूरी को रोड पे घूम रहा भाई। भाई ये देखो बदमाश भैया। अरे नहीं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, और सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस कांटल व्लॉग्स से एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज है बहुत अच्छा दिन क्योंकि आज है अष्टमी, और बहुत सारे बच्चे भी मैं देख रहा था नीचे से जा रहे थे कन्या खाने सभी लोग, और अपने पुराने दिन की याद आ गई है ना। मम्मा मम्मा आप भी कन्या खाने जाती थी क्या है? लेकिन अभी मंदिर भी जाना है ना हम लोग को। मंदिर जाएंगे ना अभी, माता जी को चुन्नी चढ़ाने। और गाइस अभी मंदिर जाएंगे, और उससे पहले भाई मुझे थोड़ी सी मतलब भूख टाइप की लग रही है, लेकिन भाई खा नहीं सकते क्योंकि आज व्रत है और हवन भी होगा अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि कल हमारे भी कन्या होगी है ना नवमी के दिन, तो अष्टमी के दिन हवन होता है, तो अभी पंडित जी आएंगे तो हवन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जाना है मंदिर, तो चलो चलते हैं मंदिर। आ चुके हैं गाइस हम लोग मंदिर में, और यहाँ पर अभी पूजा चल रही है, मम्मी लोग ताई वगैरह पूजा कर रहे हैं इधर। तो गाइस भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है, और चलो अब चलते हैं सीधे घर के लिए। मुझे तो लग रही है गाइस भूख बहुत तेज, लेकिन मेरी बहन मान नहीं रही है। ओए बनाना शेक बनाएगी बता, मैं अकेले लेकर आऊँ। भाई वो बना नहीं रही है, लेकिन चलो मैं ही ले बनाऊंगा आज, बाद बनाना शेक बनाएंगे। तो चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से केले लेकर आते हैं। बड़े पापा का व्रत है आज, तो बड़ा फुल फायदा उठाया जा रहा है। देखो चाय में इसे चाय दिख कहाँ आ रही है, मखाने मखाने दिख रहे हैं भाई साहब। ये इसको ये बाइक अवेलेबल नहीं है ना, स्कूटी अवेलेबल है, तो एक काम करते हैं पापा के साथ चलते हैं आधे रास्ते तक। एप्पल भी ले लिए और बनाना भी ले लिया, और अब बनाएंगे बनाना शेक है ना। और पापा ये क्या है, अमरूद है ना बड़ा वाला? भाई बड़ा वाला अमरूद है ये, देख रहे हैं ये सबसे महंगा फ्रूट, बताओ कौन सा? ड्रैगन फ्रूट है भाई ये, ड्रैगन फ्रूट। बनाना शेक। बनाना शेक क्या होता, रह गया मेरी मम्मियों ने नहीं पिलाया नहीं पिलाया भाई। औरों की मम्मी इतनी अच्छी होती है ना, वो मतलब कोई बच्चा आए तो बना देती है, मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है मेरे लिए। भाई साहब भी आ चुके हैं स्कूल से, टॉफी लेकर आए हैं, मुझे दे दे। व्रत है हमारा, पता नहीं है तुझे, हाथ दे दिया तुरंत तूने भाई। यहाँ पर पापा मस्त खाना चल रहा है, वैसे मुझे भी मिला है क्या बोलते हैं मखाने, सब मार लेती है हाथ सा। हाँ तू क्यों खा रही है फिर? मैं नहीं खा रही हूँ। मम्मी का बना दो ना, फिर गाइस यहाँ पर मम्मी ने बनाई दिया बनाना शेक, लेकिन कुछ ऊपर से है नहीं इसमें। देखो उनको दे दिया दोनों को, उनका तो व्रत भी नहीं है, उनका तो व्रत भी नहीं है, उन्हें दे दिया बनाना शेक तो पी लिया हम लोगों ने। और अभी आया है गोपाल, गोपाल द सुपर हीरो है ना, तुम मेरे को माइटी राजू लगते हो पता है? माइटी राजू देखा तुमने आज तक? नहीं। तो तुम वही लगते हो लेकिन। और गाइस ये पता है किसका छोटा भाई है, तू किसका छोटा भाई है? अभी गाइस हम दोनों भाई जा रहे हैं, मैं और दिव्यांश क्या लेने, आटा लेने, मतलब गेहूँ दे दिया था पिसाने, आटा लेकर आना था, तो चलो चलते हैं, चलेगा? चलते हैं फिर लेकर आते हैं। आटा ले लिया भाई हम लोगों ने, चलेंगे? चलो अंकल आटा रखवा दो बस, ठीक है अंकल समझ नहीं पा रहे मैं कैमरा खोला क्यों, रखवा दो बस आप। अंकल कंफ्यूज हो गए, अंकल कह रहे हैं कर क्या रहा है ये, मैंने एकदम से कैमरा खोल दिया ना मैंने, अंकल समझ नहीं पाए। आप लोग कुछ और एंगल देख रहे होंगे, अभी तक हम लेकर आ रहे थे गेहूं जो कि घर पे रख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर अब मैं आया हूँ उसको स्कूटी सिखाने। ये मुझसे कहता था एक बार स्कूटी चलवा दे, मैंने चल सीख ले, तू सीखने में कुछ नहीं जाता है, अभी रोड पे नहीं देंगे है ना, सीखने में तो कुछ नहीं जाता है ना, तो इस भाई सिखा ही रहे हैं कि देखते कैसे चला पाता है। चल इसको पार करके देखा, करके देखा, आराम से गिराना मत भाई, गिराना मत, गिराना मत, गिराना मत, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से पार कर, कर इस पार कर, पार कर इसको इसको इसको। अरे यहाँ है रोड, वहाँ कहाँ जा रहा है गड्ढे में भाई, ये तो पागल हो गया यार, पागल नहीं तो कहीं से अकेले चला कर दिखाएगा, जा एक राउंड मार कर ऐसे गोल करके। हाँ नहीं यहाँ पर जा, अब हल्के से मार के चली जा, सीधे निकाल, ये रास्ता है तो पागल। भाई चला ले रहा है, आराम से चला ले रहा है, वो देखो, और रोड पे नहीं जाना ओए, और रोड पे नहीं जाना, रोड की तरफ भाग गया, ओए ओए रोड की तरफ नहीं जाना है। हाँ मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, आ जा अब, आ जा अब, कहाँ भाई? ओए आगे गड्ढा है, आगे गड्ढा है, गड्ढा है। अभी तूने डाल दी थी इस गड्ढे में गाड़ी, पता तुझे? अब यहाँ क्या कर रहा है तू कीचड़ में?
गिरेगा पागल है क्या? आजा ड्रामा कर रहा है, मुझे पता है ड्रामा कर रहा है। घर बचे हम लोग और पता है यहाँ पर पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हवन होने वाला है तो चलो चलते हैं मंदिर में बैठेंगे थोड़ी देर। मेरे में ही लगा है टीका, अभी पापा करने में लगे हैं हवन की तैयारी। देखो लकड़ी लगा रहे हैं अभी। दिव्यांश अपने डांस स्टेप्स सीखा भाई, डांस ये देखो इनका लगी डांस स्टेप्स रहते हैं भाई। ये देखो और भाई घर नहीं जाना है, घर मेरी गोद भाई। ये देखो भाई कहाँ आ गया, ये देखो ये अभी गाइस मैं इसको लेके घूम रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आरती हो चुकी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होता है, इसे शूट नहीं करा मैंने और मैं पूरे घर में घुमा रहा हूँ इसको। पंडित जी ने कहा है ना इसलिए कोने कोने तक जानी चाहिए ना, सारी बुरी शक्तियाँ मिट जाएंगी। अब यहाँ पर आ गए, अब किचन में आ गए, अब सारी बुरी शक्तियाँ भाग जाएंगी। मैं तो ये सोच रहा था हमन में हम भी बैठेंगे, हमें बुलाया नहीं आपने, अकेले अकेले काम कर दिया दोनों ने। बताना चाहिए। अरे मुझे पता बुला लेते थे ना, जब पंडित जी आ जाते हैं घर में हवन के टाइम पर पंडित जी ने हमें गोली दे दी। चलो कोई बात नहीं गाइस, मम्मी तो रोने लग गई बच्चों की तरह। दिव्यांश ने लड़ाई स्टार्ट कर दी है कि कड़ा बनवाने कौन जाएगा। मैं जाऊंगा सबसे पहले, मैं जाऊंगा। ना 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 मैं जाऊंगा छोटा है तू और मैं जाऊंगा। इनके साथ मान दो आप, अब मेरा नंबर। प्रसाद तू तो प्रसाद के लिए बैठा है ना भाई। ये देखो ये किसने कर दिया, देखो मम्मी ये निकालो, ये पापा ने कर दिया है, केला मेरी छाती में डाल दिया। और गाइस सारे काम तो कर दिए और लेकिन कल कन्या होगी ना, तो उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, उनको पैसे देने पड़ते हैं कन्या खिलाने के बाद, लेकिन वो टूटे पैसे चाहिए होते हैं ना। तो चलो चलते फटाफट से पेट्रोल पंप, वहाँ से टूटे करवा कर लेकर आता हूँ पैसे। और गाइस ये देखो ये अपने बिरादरी के लोगों के लिए टूटे पैसे लेने जा रही है, लेकिन उसमें से एक हमारी बिरादरी का तो आता है लंगूर, अंगूर खाने भाई। हमारे तो एक लंगूर नहीं, दो दो चार चार लंगूर आते हैं आराम से भाई। पेट्रोल पंप आकर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अंकल ने दे दिए हमें सिक्के, नोट भी नहीं सिक्के ले लिए हमने तो सारे भाई। ये देखो बदमाश भैया क्यों यार बदनाम कर रहे हैं। अरे नहीं इतने प्यार, ये वाले भैया बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अंकल ही बहुत प्यारे हैं, सब बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मम्मा एक चीज़ दूँ आपको, बताओ क्या दे सकता हूँ? नहीं तो पैसे नहीं है। आँख बंद करो, हाथ दो। थप्पड़ क्यों दूंगा यार आपको, थप्पड़ दूंगा मैं। कैसे सारे? अच्छा कल करने आओ के लिए? हाँ 10 ले आए पूरे। अब गाइस खाना खाने का टाइम आ चुका, सुबह तो कुछ नहीं खाया, व्रत था पूरे दिन, ठीक है अब खा लेते हैं। और यहाँ पर ना रोटी है ना कुछ है, यहाँ पर है हमारा आलू और यहाँ पर रायता, बस यही खाकर आज काम चलाना है और फिर कल से खाएंगे अच्छा अच्छा खाना। गाइस देखो कबर जू घूम रहा भाई रोड पर, पूरी को रोड पर घूम रहा भाई वो, वो देखो इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है भाई। भाई 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 ये अरे भाई आ गया भाई, वो देखो वो भाई उनके घर में चला गया भाई। ये हम तो सोच रहे थे सिर्फ छतों छतों में आता है, आज तो उसने भाई गजब ही कर दिया, आज तो रोड पर भी आया था लिटरली भाई। कबर जू ने आज मॉल खड़ा कर दिया, कसम से बता रहा हूँ भाई। लोग पूछने लगे हमसे कि तुमने देखा, और फिर मैंने वीडियो में अभी आप लोगों ने देख ही लिया कैसे कैप्चर हुआ वो, लेकिन भाई डर लग गया थोड़ा सा। मैंने सोचा कहीं हमारे घर के अंदर ना घुसे, क्योंकि गेट हमारा ही खुला हुआ था सिर्फ एक, लेकिन घुसा नहीं सीधे चला गया वो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जानवर है भाई, वो भी भटक गया होगा रास्ता और चला गया अब नहीं आया, उसके बाद नहीं आया वो, उसके दिखाई नहीं कहीं भी, है ना, भटक गया होगा रास्ता। चलो कोई बात नहीं। और गाइस चलो मैं भी यार अब आ चुका अपने कमरे में और फटाफट से बैठता हूँ मैं एडिटिंग करने। आई होप ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय।